इस वक्त मैं हैरान हूँ, मैं कहीं गया था और जब मैं वापस आया तो पूरा फेसबुक और स्पेशल आगा बेश्ती के पेज और मेरे जो यूट्यूब चैनल है आगा बेश्ती, और उस पर तूफान खड़ा हुआ है कि आगा साहब कल कौन मैच जीतेगा और क्या होगा और कैसे होगा। तो कल के जो मैंने पेशेंट गोई थी इमरान खान के हवाले से, मैंने कहा था इंशाल्लाह आप कोर्ट में जैसे जाते ही इमरान खान उड़ा देंगे, तमाम 13 जमातों को, बल्कि 9 बॉल के साथ सिक्स भी मारेगा और 1 बॉल और खेलने का मौका मिलेगा। ये थी एक इलमी राय। और एक और दूसरा जबरदस्त जो मेरे तमाम दोस्त इस वक्त इंतजार में है कि कल पहला मैच है श्रीलंका और आयरलैंड का। तो वैसे बेजहर तो ऐसा लगता है कि आयरलैंड बहुत कमजोर है, मगर ये कमजोर नहीं है। वेस्ट इंडीज जैसे जो वर्ल्ड कप की चैंपियन बनने वाली थी, जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि ये जीत सकती है, और वो उन्होंने बाहर कर दिए। तो श्रीलंका भी एक दफा हार चुका है, मगर कल का जो एलमी राय है और हमारी जो हिसाब किताब है, जो टीमों के नामों के जो लिस्ट में मेरे पास है, अगर वो सब इसी तरह सेम खेलते हैं तो कल का दिन श्रीलंका का है और श्रीलंका कल का मैच जबरदस्त तरीके से जीतेगा। और इस वक्त सबकी नजरें इस वक्त ऑस्ट्रेलिया पर है और 1.5 अरब लोग बेचैनी के साथ इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। धड़कने रुक चुकी है और धड़कने ठक 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 कर रहे हैं। एक तरफ इंडिया की धड़कने और दूसरी तरफ पाकिस्तान की धड़कने तड़प रही है कि कौन जीतेगा। तो मेरा इल्म के मुताबिक अगर कल मैच हुआ, महकमे मौसमियात वालों, अभी मैंने सुना है कि वहां पर बारिश के ज्यादा इम्कान है, अगर मैच हुई तो इंशाल्लाह कल का दिन बआसानी से पाकिस्तान की टीम कल जीत जाएगी और श्रीलंका वाले भी जीत जाएंगे, खुश रहें। और इंडिया वालों के लिए कल थोड़ा सा मुश्किल दिन है, माजरत, क्या करें, हमारी टीम इस वक्त सितारों की इल्म के मुताबिक बहुत ज़बरदस्त जा रही है और ज़बरदस्त फाइट करने वाली है। और कल का दिन पाकिस्तान का दिन है और यकीनन इंडिया का दिन बिल्कुल नहीं है। ये इल्मी राय है कि मैं पाकिस्तानी हूँ क्योंकि नहीं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और आप सब जानते हैं कि इसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि कल का मैच बहुत मज़ेदार होना है। और अगर मैच हुई, हाँ एक और बात मैं बता दूं कि जो हमारे पास लिस्ट है नामों का, और अगर वो लिस्ट खेलते हैं, अगर हो सकते 3-4 खिलाड़ी चेंज हो जाते हैं तो बास औकात प्रेडिक्शन भी गलत होती है। अगर जो लिस्ट मेरे पास है उसको मद्देनजर रखते वही टीम खेलेगी तो कल इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा।